हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग मेजरमेंट में न्यू मैट्रिक मेथड के द्वारा सरफेस रफनेस को कैसे मेजर करते हैं। इससे पहले हमने और भी मेथड पढ़ाए हैं सरफेस रफनेस को मेजरमेंट करने का, तो ये हमारे पास जो टॉपिक है यह न्यू मैट्रिक मेथड के द्वारा हम सरफेस रफनेस मेजरमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में देखते हैं। आइए, तो हमारा आज का टॉपिक है न्यू मैट्रिक मेथड सरफेस रफनेस मेजरमेंट। आइए देखते हैं न्यू मैट्रिक मेथड सरफेस रफनेस मेजरमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूमेटिक मेथड क्या होती है। अ मेथड फॉर मेजरिंग द सरफेस रफनेस ऑफ अ वर्क पीस कंप्राइजिंग फिलिंग टू कप कैपेसिटर्स विद अ कंप्रेस्ड गैस एट स्पेसिफाइड प्रेशर अप्लाइंग टू द रफ सरफेस ऑफ द वर्क पीस टू बी स्टडीड द ओपन एंड ऑफ द बेल फॉर्म सेंसर कनेक्टेड टू अ सेकेंड वन ऑफ द कैपेसिटर्स इवैक्यूएटिंग simultaneously and individually to atmosphere the two capacitors, the first through a calibrated throttle, the second through the leak existing between the edge of the said sensor well and the rough surface of the workpiece. Measuring during evacuation the difference between the pressures in the two capacitors and deducing from this pressure differential by standardization with sample pieces of known roughness, the roughness of the piece studied. न्यूमेटिक मेथड एक वो मेथड होती है जिसमें हम कोई भी एक क्लोज क्लोज टब के द्वारा हम उसमें न्यूमेटिक के द्वारा हम लोग सरफेस रफनेस को मेजर करते हैं। इस मेथड के द्वारा हम क्या करते हैं, कुछ एक क्लोज सरफेस होता है, उस क्लोज सरफेस के पर हम उसमें उसकी रफनेस को चेक करते हैं और जो उसकी रीडिंग चेंज होती है वो न्यूमेटिक मेथड में आपको स्केल के द्वारा उसमें रीडिंग दिख सकती है। जैसे कि आपको इसमें लिखा होगा, यह एक ऐसा वर्क पीस होता है जिसमें हम उसका खुरदरापन मतलब सरफेस रफनेस को मापने के लिए इस विधि का हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें दो कैपेसिटर को भरते हैं जिसमें गैस भरी जाती है और गैस में हम लोग क्या करते हैं, जब उसको हम सरफेस रफनेस पर मूव कराते हैं तो हमारा उस पर हमारे पास जो न्यूमेटिक मेथड होती है उसके द्वारा हमारे पास रीडिंग दिखती है स्केल के द्वारा, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। आइए देखते हैं, जैसे डायग्राम में जैसे हमारे पास ये डायग्राम है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट टू बी मेजर जहाँ से हमको मेजर करना है। लाइट स्पॉट है क्योंकि इसमें सेंसर लगा रहता है जिसके द्वारा ये सेंस करता है। ये मेजरिंग रेंज होती है, यहाँ से यहाँ तक ये रेंज में ये मेजर करता है। इसके बाद यहाँ पर होता है स्पेक्ट्रल एब्रेसिएशन लेंस, यहाँ पर लेंस होता है। इसके बाद यहाँ से आपको लीड होती है जो कि लीड यहाँ पर अटैक जुड़ी हुई होती है, इसमें बीम स्प्लिटर लगा रहता है। ये वाइट लाइट सोर्स होता है यहाँ से, और यहाँ पर रहता है ऑप्टिकल पिन होल, और यहाँ सीसीडी सेंसर होता है, यहाँ ड्राइविंग सर्किट। और इसमें हमारे पास जब हम ये ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट में जब हम सर्फेस रफनेस को मेजर करते हैं इसको हम मूव कराते हैं, तो इसके द्वारा इस सेंसर के द्वारा आपके पास इसमें इफेक्ट होते हुए आपको यहाँ से आपको डायरेक्ट रीडिंग पता चल जाएगी क्या इसका हमारे पास सर्फेस रफनेस है। देखते हैं, ये एक आपके पास जो बना हुआ है थ्रोटल, इसको हम न्यूमेटिक मेजरिंग सर्फेस इंस्ट्रूमेंट होता है। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास जो कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है उसके साथ में हम इसमें रोटामीटर को कनेक्ट करते हैं। रोटामीटर एक न्यूमेटिक ऑपरेटर है, इसके इसमें कनेक्ट करते हैं। जैसा कि आपको ये दिख रहा है सर्फेस टू बी टेस्टेड, जहाँ पर हमको टेस्ट करना ये सर्फेस है। इसमें हमारे पास एक कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है, कॉन्टेक्ट पॉइंट में यहाँ एक नोजल लगा रहता है। नोजल के यहाँ पर शेल्फ अलाइनमेंट हेड रहता है जो कि यहाँ से आपका कनेक्ट होता है, यहाँ पर इससे जो कनेक्ट होता है आपके पास ये पूरी तरह से रोटामीटर में, और रोटामीटर में हमारे पास यहाँ पर थ्रोट भरा हुआ होता है, और इसके सामने एक स्केल लगा होता है। स्केल के यहाँ पर एक ट्यूब होता है, ट्यूब में एक फ्लोट रहता है, और इसको चारों तरफ से बंद कर देते हैं। यहाँ पर बंद कर देते हैं, यहाँ से क्लोज कर देते हैं। बंद करने के बाद अब इसमें क्या करते हैं, जब भी हम इसमें रीडिंग नापते हैं कोई भी अगर सरफेस रफनेस इसको अगर मेजर करते हैं, तो इस हम जो निप पॉइंट है इसका, उस पॉइंट को हम लोग इसको मूव करते हैं। यहाँ पर सरफेस रफनेस होता है उसको मूव करते हैं, तो इसको मूव करने पर ये यहाँ पर आपको इफेक्ट करेगा जो कि आपको यहाँ से डायरेक्ट इफेक्ट करता हुआ आपको यहाँ पर इसका आपको प्रेशर प्रेशर लगेगा। प्रेशर के द्वारा ये फ्लोट होता है, फ्लोट मूव करके आपको प्रेशर के द्वारा उसको रीडिंग बताएगा। अब जैसे जैसे इसका सर्फेस रफनेस ज़्यादा या कम होगा वैसे वैसे इसका प्रेशर कम और ज़्यादा होगा, जिसके द्वारा हम इसमें रीडिंग माप सकते हैं।
इसके द्वारा रीडिंग मापेंगे तो इससे हमको पता चल जाएगा कि इसमें कितना कितना एरर है। फिर इसको सरफेस रफनेस को मेजर करने के लिए हम ये न्यूमेटिक मेथड लगाते हैं, फिर चारों तरफ सभी टाइप से ये बंद रहता है, यहाँ से इसको बंद करते हैं, यहाँ से बंद करते हैं और यहाँ पर इसको प्रेशर जनरेट करते हैं। अब यहाँ पर जैसे हमारे पास नोजल यहाँ रहता है, इस पॉइंट पर हमारे पास सरफेस रफनेस है, इसको हम मुझे मूव कराएंगे, तो मूव कराने पर इस पर हमारे पास कॉन्टेक्ट पॉइंट पे इस पर हमारे पास इफेक्ट करेगा, इस पर इफेक्ट करेगा वो हमारा इफेक्ट करेगा कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर इफेक्ट करेगा ट्यूब में। तो ट्यूब में क्या होगा, ये जो फ्लोट है फ्लोट रोटेट करके आपको ऊपर या नीचे, जब इसका प्रेशर आपका जब बढ़ेगा यहाँ से तो आपका ये फ्लोट है फ्लोट ऊपर जाएगा, जिसके द्वारा रीडिंग ज़्यादा आएगी, और अगर इसका गैप आता है कहीं पर तो इसका प्रेशर कम होगा, जिसके द्वारा ये रीडिंग कम होगी। इससे हमको पता चल जाएगा कि इसका सर्फेस रफनेस कैसा है, सर्फेस रफनेस को हम इसको इसके द्वारा मेजर कर सकते हैं। ये होता है न्यूमेटिक मेथड ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब रोटामीटर कैसे काम करता है उसके बारे में देखेंगे। आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि रोटामीटर है, रोटामीटर की वर्किंग बताएंगे है आपको। ये इस टाइप से रोटामीटर होता है, ये पूरा क्लोज होता है और इसमें क्या होता है, ये फ्लो होता है यहाँ से, और ये ग्रेविटी के कारण ये नीचे आता है और ये लो प्रेशर के कारण ऊपर जाता है, ये ऊपर नीचे मूव करता है, ये फ्लोट कहलाता है। इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, यहाँ पर होता है टेपर्ड मीटरिंग ट्यूब होते हैं, ये आपको टेपर ट्यूब रहते हैं, और ये इसके सामने मेजरिंग स्केल होता है, मेजरिंग स्केल होता है जिसमें कि इसमें रीडिंग लिखी होती है। अब जैसे जैसे ये हमारे पास ये रोटर हो, जो हमारे पास प्लॉट होता है, प्लॉट रोटेट करके ऊपर या नीचे जाएगा तो उसके सामने वाली जो रीडिंग रहेगी उसको हम लोग रीडिंग को मेजर करते हैं। इसका जो प्रैक्टिकली यूज होता है वो इस टाइप से आपको दिखता है, इस टाइप से होता है, स्केल लगा रहता है और इसमें ये प्लॉट लगा रहता है, प्लॉट के द्वारा ये ऊपर नीचे मूव करता है प्रेशर के द्वारा। इसमें प्रेशर लगेगा तो आपको फ्लो का प्रेशर रहेगा तो आपको ऊपर जाएगा, और जब आपका प्रेशर कम होगा तो ग्रेविटेशनल के कारण ये नीचे आएगा। जिससे आपको इसमें दिख रहा होगा ये फ्लोट है, फ्लोट रोटेट करते हुए ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है। इस टाइप से प्रेशर को हम इसके द्वारा हम सरफेस रफनेस को मापते हैं। इसमें रोटामीटर इस टाइप से काम करता है, रोटामीटर होता है इस टाइप से काम करता है, यहाँ से जैसे आपको उसमें प्रेशर जैसे ही लगेगा वो आपको ऊपर मूव करेगा, ऊपर मूव करेगा जिसमें हम डायरेक्ट रीडिंग लिख सकते हैं कितना इसका एरर आ रहा है, जो भी एरर आएगा उसमें आपको रीडिंग दिखा देगा। ये होता है न्यूमेटिक मेथड। अब इसमें क्या होता है, लाइव क्रॉस सेक्शन मेथड भी होती है। न्यूमेटिक मेथड के बाद इसमें इसको सरफेस टफनेस को मापने के लिए लाइट क्रॉस सेक्शन मेथड भी होती है। ये मेथड वो होती है जिसमें नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड होती है, इसके द्वारा हम लाइट को स्ट्राइक करते हैं वर्क पीस पर माइक्रोस्कोप के द्वारा, जिसमें कि हम उसको देखते हैं लाइट कहाँ पर कैसे इफेक्ट पड़ रही है। अगर लाइट एक बराबर लेवल पर अगर इफेक्ट कर रही है तो हमको पता चल जाए इसमें एरर है या नहीं है। और इसमें देखिए लिखा हुआ लाइट क्रॉस सेक्शन मेथड, इट इज नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड once in light layer strikes and intersected then the contour microscope is tested and seen। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें लाइट को हम स्ट्राइक करते हैं और उसके बाद माइक्रोस्कोप के द्वारा इसको हम देखते हैं, द लाइट सोर्स इज टेकन विच गेट्स फुल ऑन द सर्फेस। आपको इसका जो लाइट है, लाइट आपका पूरा सर्फेस पे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, इट्स प्रेस इंस्पेक्शन शुड बी ऑन दैट इज रिफ्लेक्टेड एंड गोज ऑन माइक्रोस्कोप। जो आपकी लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर के माइक्रोस्कोप के द्वारा हम उसको देखते हैं, इट हैज वन ऑब्जेक्टिव लेंस दैट फ्रॉम एपर्चर गोज इट टेक्स द लाइट रिफ्लेक्ट एंड गेट्स फॉर इंस्पेक्शन फ्रॉम आईपीस टू द स्लिट। आईपीस के द्वारा उस लाइट को हम देखते हैं, द इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल, द डिफिकल्टी इन एपर्चर और सरफेस रफनेस इज डिटेक्टेड। इसके द्वारा हम जो इंसिडेंट एंगल होता है वो बराबर होता है एक्सटर्नल एंगल के द्वारा के बराबर है। इसको देखने के लिए डिफिकल्टी सरफेस टेक्चर को अपने इसको हमको देखने में थोड़ा सा कठिनाई होती है, जैसे कि हम इसमें डायग्राम के द्वारा देखेंगे। ये आपको रफनेस सरफेस है, सरफेस रफनेस में अगर हमको इसको आपको मेजर करना है ये हमारे पास बराबर है कि नहीं, इसके लिए हम लाइट सोर्स के द्वारा हम इसके सरफेस रफनेस को मेजर करते हैं। लाइट बैंड है यहाँ पर, ये आपको दिख रहा होगा आर व्यू इन ओकुलर, ओक्यूलर है आपको इस टाइप से व्यू दिख रहा है कि ये हमारे पास बराबर टाइमिंग करके है कि नहीं। तो हमारे पास एक आपको ये डायग्राम दिख रहा है जिसके द्वारा हमको ये लाइट बैंड दिख रहे हैं यहाँ पर व्यू ऑन ओक्यूलर, और एक हमको इसमें दिख रहा है बी और एक सी डायग्राम। लाइट सोर्स के द्वारा कैसे देखते हैं, जैसे हमारे पास ये हमारे पास सरफेस है, इस सरफेस पे क्या होता है जब ये लाइट
ये सरफेस को अगर हम मेजर करना है कि रफनेस, सरफेस रफनेस हमारे पास सही है कि नहीं है, सरफेस रफनेस है, खुरदरापन है या फिर चिकना है, तो उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से लाइट को टॉर्च के द्वारा लाइट को अटैक करते हैं यहाँ पर सरफेस पर। तो अटैक करेंगे तो यहाँ से हमारे पर लाइट लाइट रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट होकर के ये रिफ्लेक्ट होगी, पूछेंगे तो रिफ्लेक्ट होगी, उसको हम आईपीस के द्वारा हम रीडिंग को मेजर करते हैं कि बराबर एंगल पर मेजर हो रही के लिए। जब हमारे पास अगर ब्राइट फील्ड है कि जब हमारे पास अल्फा एंगल पे हम अगर इस लाइट को स्ट्राइक कर रहे हैं तो बीटा एंगल पर ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी। अब हमारे पास अल्फा इक्वल टू बीटा आना चाहिए, तो मतलब ये हमारे पास जो है सरफेस रफनेस है ये हमारे पास क्लीन है, मतलब फेयर है, सरफेस रफनेस है, रफनेस नहीं है, इसमें चिकनापन है। अगर रफनेस है सरफेस, इसमें लाइट जो है हमारे पास बराबर एंगल पे नहीं रहेगी, जैसे कि आप इसमें देख रहे हो, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये आपको डार्क फील्ड है दिख रहा है जिसमें सरफेस रफनेस है, इसमें क्या है, इसमें लाइट सोर्स किया, लाइट सोर्स अटैक किया यहाँ पर सरफेस पर, इसके बाद आपको बीटा एंगल पर लाइट रिफ्लेक्ट हुई। जब आपने यहाँ से अटैक किया तो आपका अल्फा एंगल थोड़ा बड़ा है, इसके बाद जब रिफ्लेक्ट हो रही है वो बीटा एंगल छोटा है, इससे आपको एंगल का डिफरेंस आ रहा है, आईपीस के द्वारा देख रहा है, तो आपको अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, इसलिए ये हमारे पास सरफेस रफनेस होगा, और ये सरफेस रफनेस नहीं है, ये आपका क्लीन सरफेस है और ये आपका डिफेक्ट सरफेस है, इसलिए हम ये लाइट लाइट क्रॉस सेक्शन मेथड के द्वारा भी सरफेस रफनेस को मापते हैं। तो इसलिए हम इसमें दो मेथड पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं इसमें न्यूमेटिक मेथड, न्यूमेटिक मेथड के द्वारा हम जो कि आपको दिख रहा होगा ये न्यूमेटिक मेथड के द्वारा हम लोग मीजर करते हैं रीडिंग, ये न्यूमेटिक मेथड के द्वारा रीडिंग निकालते हैं, और एक हम पढ़ते हैं इसमें न्यूमेटिक मेथड के बाद, इसमें न्यूमेटिक मेथड के द्वारा जब हमारे पास इनेबल पे कॉन्टेक्ट आएगा, कॉन्टेक्ट पे आने के बाद सरफेस रफनेस के द्वारा हम इसमें टोटल के द्वारा हम इसमें रीडिंग को मापते हैं, जिसके द्वारा सरफेस रफनेस पता चल जाएगा सरफेस रफनेस है या नहीं है। और एक हमने पढ़ा है जैसे ये नोजल है, नोजल किस टाइप से काम करता है ये भी आपने देखा है नोजल, और इसमें हमने एक लाइट क्रॉस सेक्शन मेथड है, लाइट क्रॉस सेक्शन मेथड के द्वारा हम इसमें पढ़ेंगे, इसमें हम लोग क्या करते हैं कोई भी सरफेस पर लाइट को अटैक करते हैं, उस लाइट का हम एंगल देखते हैं, उसका रिफ्लेक्शन कहाँ पर बन रहा है, उसका रिफ्लेक्शन के द्वारा हम इसकी रीडिंग निकालते हैं, इसको हम लाइट क्रॉस सेक्शन मेथड बोलते हैं। ये हमारा कंप्लीट होता है न्यूमेटिक मेथड और सरफेस रफनेस एंड लाइट सोर्स मेथड है सरफेस रफनेस, इस टाइप से हमको ये पढ़ना है।